सत श्री अकाल जी सारे। ऐस दा भाग 124 लेके हाजिर हैं। अज दे इस भाग विच असीं स्पीकिंग पार्ट 2 करांगे, जिणे कि एक क्यू कार्ड विद एग्जाम्पल करांगे, ते जिहड़ी एग्जाम्पल है यू प्लेस टैंपलेट दे नाल रिलेटेड होगी। सो शुरू करदे हां। सब तो पहला क्वेश्चन रीड करदे हां। डिस्क्राइब ए कंट्री वेयर यू वुड लाइक टू वर्क फॉर शॉर्ट टाइम। तो कहिंदे कि इहो जिहा देश दसो जिथे तुसीं थोड़े समय लिए काम करना चाहते। वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, कितने काम करना चाहते, वट काइंड ऑफ जॉब वुड इट बी, कि तरह का काम करना चाहते। वैन वुड यू लाइक टू गो, कदों तुसी जाना चाहते। वाई यू वॉन्ट टू वर्क देयर, ते तुसी उत्थे क्यों काम करना चाहते। सो जी स्टार्टिंग करेंगे जी। टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए कंट्री कनेडा वेयर आई वुड लाइक टू वर्क फॉर शॉर्ट टाइम। तो मैं एक देश की गल करनी चाहना कनेडा की, जिथे मैं थोड़े समय लिए काम करना चाहना। इट कैन बी फाउंड इन सदरन हैमीस्फीयर, तो जो दक्षिणी हैमीस्फीयर लिया जा सकता। इट्स वेल नोन फॉर इट्स लाइफ स्टाइल एंड कल्चर, आपके लाइफ स्टाइल से कल्चर लिए जाने जाता है। आई एम प्लानिंग टू गो देयर फॉर माई हायर स्टडी, तो मैं हायर स्टडी उ जाना चाहना। बिकॉज इट इज माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वॉन्ट टू स्टडी एंड वर्क, मेरा ड्रीम कंट्री है जिथे मैं स्टडी भी करना चाहना वर्क भी करना चाहना। सो इत जो रेड लिखे कि इट कैन बी फाउंड इन सदरन हैमीस्फीयर, इस वेल नोन फॉर इस लाइफ स्टाइल एंड कल्चर, लाइन वार बार जो प्लेस टैंपलेट यूज होंगे। दूजा है जी, आई हैव हर्ड दैट स्टूडेंट्स कैन वर्क पार्ट टाइम वाइल स्टडी ओवर देयर, तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते जो पढ़ते। यू कैन चूज योर फ्लैक्सीबल आवर टू वर्क एंड टॉप ऑफ दैट यूर स्टडी विल नॉट डिस्टर्ब एंड यू कैन ईजली मैन यूर ओवरहैड एक्सपेंसिज। तो उत्थे की है, तुसीं अपने फ्लैक्सीबल जो टाइम है वर्क लिए यूज कर सकते हो, जिहदे नाल जिहड़ी पढ़ाई है जी वह डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो जिहड़े तुहाडे ओवरहैड एक्सपेंसिज जाने कि वाधू के जिहड़े खर्चे जी उन्हां नूं तुसीं मैनेज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू वर्क इन पीजा आउटलेट बिकॉज इट वुड बी अ वेरी गुड वे टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड टू मीट न्यू पीपल। तो मैं पीजा की जिहड़ी शॉप है जी उत्थे काम करना चाहूंगा, क्योंकि इहदे नाल मैं नवें लोगों नूं मिलूं ते कल्चर बारे सिखांगा। I would like to go there next year, मैं अगले साल जाना जो पसंद करांगा जी। कनेडा इज ए ब्यूटीफुल कंट्री बिकॉज इट्स वेल नोन फॉर इट्स वैदर एंड स्पेक्टेकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। आई लव दिस कंट्री बिकॉज इट्स ए ग्रेट प्लेस टू स्टडी एंड वर्क देयर। देयर आर सो मैनी कैरियर ऑप्शन फॉर यू टू अडॉप्ट, सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क इन कनेडा फॉर शॉर्ट टाइम। तो कनेडा एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है जी, वैदर से जो स्पैक्टैकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है वह जाने जाता है। मैं यह कंट्री में बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि एक ग्रेट प्लेस है जिथे तुम चंगी तरह वर्क भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, तो कैरियर ऑप्शन भी जेडे अडॉप्ट कर सकते हो। तो इस करके मैं थोड़े समय लिए कनेडा में काम करना पसंद करूंगा। सो ये जो रेड लिखा इट्स वेल नोन फॉर इट्स वैदर एंड स्पैक्टैकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, यह लाइन भी वार बार यूज होंगी। आई लव दिस कंट्री, यह लाइन भी जो प्लेस टैंपलेट वार बार यूज होंगी। इतने जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया क्योंकि जो देश बारे दसा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच है, ते मैं क्योंकि उत्थे जाना फ्यूचर दे विच जाना, इस करके सिंपल फ्यूचर टेंस है जिहड़ा उहदा यूज इत्थे किया गया। सो जिस तरह का भी क्वेश्चन है उस तरह के जो टेंस है जी तुसीं उहदा आंसर करोगे उदों यूज होंगे। सो धन्यवाद।